हरामजादे जी मार के मार ले। अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रह गई तो अपने अपमान का बदला तुझसे जरूर लूंगी। अगर तेरी बोतियां नोच कर खा न गई तो मेरा नाम कमला नहीं रे हरामजादे कुत्ते की औलाद। इधर हरामी सुअर और तू हरामजादी कुतिया। रंडी हर जाई बेस्या, तू मुझे बेस्या कह रही है? बोल बोल। मेरे बेटे समान देवर पर लांछन लगा रही है। अरे हरामजादी, बेस्या तो तू है, रंडी हर जाई तू है। कि तेरा पति अभी इस दुनिया में जिंदा है, उसके बावजूद इस हरामजादे हिजड़े से रंगानियां मना रही है। याद रख हरामजादी, तू मेरी साड़ी कुत्ते से उतरवाई है रे। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। ना तू मेरी साड़ी ना मैं तेरी बहू। जाते जाते तुझे सबक देख जाऊंगी, ताकि देखने वाली कोई भी सास अपनी बहू के साथ ऐसा अत्याचार ना करे। हरामजादी, तू मेरी साड़ी कुत्ते से उतरवाई है रे। अगर मैं दुनिया में जिंदा रह गई तो मैं ये प्रतिज्ञा ले रही हूँ, जब तक तेरी साड़ी अपने हाथों से उतार कर तुझे लात मार कर इस घर से नहीं भगाऊंगी, ये बाल कभी बांध होगी नहीं। सपना देखना कोई गलत बात नहीं है हरामजादी कुतिया। कभी सपना हकीकत भी होता है कुतिया। कुतिया, पत्ते झड़ गए अभी तेरी ऐठन नहीं गई। नहीं जाएगी रे। नहीं जाएगी तो हराम जादी लंडी और तेरी सारी ऐठन चुरा दूंगी। क्या समझ रही है? देखा तो भाई से खाट खाट बटाल बना दी, अब दोनों चरक मार के जाप गई। कोई बात नहीं, एक कहावत कहा गया, खिजी मिली खमानोचे, इसके बस का कुछ था नहीं, सिर्फ खमानोच रही है। मैं चाहता इसे यहीं पर गोली मार सकता था, लेकिन लाश गायब करना मुश्किल हो जाता। अपना ख्याल रखना, यहाँ कर जा रही है, मैं इसके पीछे पड़ता हूँ, जहां भी मिल जाएगी रास्ते में से दौड़ा के गोली मार दूंगा। अपना ख्याल रखना। कमला हर जाए रंडी के जिंदा जी छोड़ नहीं छोड़ोगे से। अपना ख्याल रखना, मैं इसे समाप्त करके तब आ रहा हूँ। खेल में तो मजा अब आएगा। तो कमला हर जाए रंडी अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। आज इस दुनिया में अभी ये जिंदा नहीं रहेगी, बस आगे आगे देखो होता है क्या। पंजाब चली जाओ, मैंने सोची उस दिन भाई का सारा मिल जाएगा, उसका भी सारा छूट गया मालिक। मैं तो बहुत दूर तक चली आई हूँ, सोच रही हूँ कहाँ जाऊँ। चले थोड़ी देर यही बैठ कर आराम करूंगी, उसके बाद गांव तरफ चलूंगी। आप लोग है कौन? अरे बहन हमको पहचानो, मैं तुम्हारा रेडीमेड भाई हूँ। रेडीमेड भाई? तुम दरिया के किनारे भीख मांगते हुए मिला था। हो याद आ गया भैया, याद आ गया। भंडारी भिखारी? हाँ भैया जान गई, याद आ गया मेरी रेडीमेड बहन। याद आ गया। अरे भिखारी बहन मुझे पहचान, मैं वही इंसान हूँ जिसे दरिया से बाहर निकाल कर मेरे प्राण को बचाया था। उस दिन आकाश भाई हुई, मैं यहाँ से चला गया, तुमसे नहीं पूछ पाया कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ की रहने वाली है। लेकिन आज मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तेरा नाम क्या है, तू कहाँ की रहने वाली है। भीख मांगना तेरा पैसा है या मजबूरी बस मांगती है? अपनी कहानी साफ साफ बता मुझसे। भैया मेरा नाम सुषमा है और मैं गांव मदनपुर की रहने वाली हूँ।
माता जी तो मेरी बचपन मर गई, पिताजी थे हम लोग के परवरिश करते थे, लेकिन मेरे चाचा धन दौलत के लालच में ठीक रक्षा बंधन के दिन मेरे बाबूजी को गोली मार दिया भैया, और मुझे भी मारना चाहा, लेकिन मैं चाचा के डर से घर से भाग ली, तब से दर बदर ठोकर खा रही भैया, तो इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है भैया। ये बता तेरे चाचा का क्या नाम है? मेरे चाचा का नाम भवर सिंह नाम है भैया। भवर सिंह, भवर सिंह के उठे हैं भगवान जले भवर सिंह के भगवान रूठ गए हैं, जब तक उसका सर काट कर तेरे कदम में नहीं डालूंगा डाकू बेड़ा चैन की सांस नहीं लेगा। लेकिन बहन अब क्यों रो रही हो? सीन को देखते हुए अभी अभी आगे हमारे पप्पू भैया भैंस के व्यापारी तीन गोड़िया के रहने वाले हैं, कहा था बेचारू सो गए यार, आंखें खोली तब वहीं आवत है, चला पुरस्कार भैया घन भैया आज मैं रो रही हूँ, आप जानना चाहते हो मैं क्यों रो रही हूँ, मेरी बात सुनिए। ये संसार भैया भैया आज अच्छा बंधन त्योहार है, आज सुबह मैंने अपने भाई के लिए राखी बांधेगी, मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने भैया के लिए राखी बांधती, यही सोच के भैया आज मैं रो रही हूँ, क्या करूँ भैया। आज राखी का त्योहार है, सभी भाई बहन हंसी खुशी से राखी का त्योहार मना रहे हैं और अपने हाथ में राखी बंधवा रहे हैं, यही सोचकर तू रो रही है, काश तेरे पास कोई भाई होता तो तू भी राखी बांध कर ये त्योहार मनाती। देख बहन तेरे पास कोई भाई नहीं है, मेरे पास कोई बहन नहीं है, इसलिए मेरी बात सुन बहन, तुझको बलाता बहू आज से लल्लल, तुझको बलाता बहू ले लिया रक्षा का तेरे, मैं भार
अगर तेरे पास कोई भाई नहीं है तो मेरे पास कोई बहन नहीं है। बरसों से कलाई सुनी पड़ी है, इन सुनी कलाई में राखी बांध कर अपना त्योहार मना ले बहन। मैं तेरा सगा भाई तो नहीं हूँ, धर्म का भाई बनकर वादा करता हूँ कि ताउम्र तेरी रक्षा करूंगा, तेरी आंख में आंसू कभी नहीं आने दूंगा। आप क्यों रोती हो बहन? क्या करूं भैया, भगवान ने एक भाई नहीं दिया तो क्या हुआ? समय ने तो तुमको आज दो गधे भाई दिए। दो सगे जैसा भाई बे, गधे क्या है? सरदार जी आप राखी बनाओ, हम तो ना बनाओ। क्यों नहीं बधवाएगा? खर्चा नानत का बहन के दे। अबे तू खर्चे के डर से राखी नहीं बधवा रहा है? अरे बहन खर्चे के लिए राखी थोड़ी बांधती है, बहन तो अपने भाई के लिए लंबी उम्र की कामना करती है। ये तो भाई की खुशी होती है कि राखी के उपलक्ष में अपनी बहन को चाहे जो भी दे दे वो कम होता है। ये बात बहन मिठाई लाई यहाँ। बैठो भैया। रखिया बना ला भैया, रे सावन आई या सिंह सारा मीठा खाए गया, ई चूर चार बचा बा लइहो खाई ना बा। हाँ बहन का ढोकाओ के इंतजाम करे के परे। अरे आज बहन के कुछ ना देते है का भा? हाँ भैया। लेकिन बहन आज हमारे हाथ में राखी बांधे यहाँ, तासे तोरे सारी जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर। क्या भैया? सुन लिया पंचो, आज इनके राखी बढ़ाए पे पैसा ना आई बा, शादी की जिम्मेदारी लेते हैं। लोहा सिंह शादी में तो बहुत रुपया लागा था, कहाँ से कर बे तू? लागे जितना रुपया लागे ओका चिंता ना है, बात है उधार ही काम कैले पैसठ के ऊपर देख ना है ब्या। यह इतना ना है अपने फूल जैसे बहनी बड़े तो हम बीसन लड़के का लाइन लगाए दे। बे लड़का क्या बलि चढ़ाना है क्या बे? ना ही जवन लड़का बहन पसंद करे वो करे साथ। तेरे कहने का मतलब ये है कि 20 लड़कों की फोटो लाएगा, जो लड़का बहन सुषमा को पसंद आएगा उसी के साथ बहन सुषमा की शादी होगी। मन पसंद शादी करना। भैया आप लोग मेरी शादी भी सब सोच रहे हैं? रेडीमेड बहन होना। भैया आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मैं आप लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी भैया। प्लान चेंज। कैसा प्लान चेंज कर रहा है लोहा सिंह? अब तक सोचत रहे ऊंचे खानदान में बहन की शादी कर, अब लेकिन आज से वह लड़का ढूंढब जेकरे सारे कराए खाए ठिकान न रहा। हाँ ताकि भूख से हो मर जाए हमार बहनों। ना ही सरदाजी, ताकि मेहमान शादी के बाद ही ससुरारिन में हमेशा नवासा रहा। नवासा क्या रे, निवासा कहते हैं। मेहमान ही पर रहा। बहन सुषमा आज मैं बहुत खुश हूँ बहन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। राखी की लाज तेरा
भैया निभाएगा। तेरा भैया निभाएगा। दिन रात देखूं बस एक सपना, आएगी बारात कब मेरे कहना। दिन रात देखो बस एक सपना, आएगी बारात कब मेरे कहना। सोने चांदी तुझसे लुटा के, सोने चांदी तुझसे लुटा के चांद तारे सजाएगा मेरी बहना, राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। मेरी बहना राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। बहन सुषमा, अब तो सयानी हो गई है, दिन रात यही फिक्र होती है कि कब तेरा हाथ पीला करके तुझे तेरे ससुराल भेज दूं, ताकि मेरे सर का बोझा हल्का हो जाए। धो है कर एक सहजादा तेरी सुषमा, अब तो दिल में यही एक अरमान है बहन कि तेरे लिए एक अच्छा सा सहजादा ढूंढकर धूमधाम से तेरी शादी रचाऊंगा और तुझे दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर तेरी डोली अपने कंधे से उठाकर तेरे ससुराल पहुंचाऊंगा। बहन, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ, मेरी बात सुनिए। इलाही बादा से सदा खुशियाँ मनाऊं, करे भैया नहीं ससुराल
तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी भैया, आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। बहन सुषमा, बहन बेटी पराया धन होती हैं, इन्हें एक न एक दिन अपने ससुराल जाना होता है बहन, इसलिए हर एक भाई बाप का ये फर्ज होता है घर में सयान बहन बेटी का हाथ पीला करके उसे उसके ससुराल भेज देने में ही हम सब की इज्जत होती है बहन। बता रहा हूँ बहन, बाजगी 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 मेरे द्वारे पे सहलाई, बाजगी मेरे द्वारे पे सहलाई, बाजगी। ओ नाचगी नाचगी, ओ मेरी सीता सीधा भी नाचेगी, मेरी सीता सीधा भी। बहन पहन ना तू लाज का गहना, बहना लाज का गहना।